तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। तो ज़ुबैर भाई भी अभी आ चुके हैं और बेचारा सुबह से मेरा वेट कर रहा था, क्या करें, थोड़ा से बिजी थे घर में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हज़रतबल, ठीक है ना? तो और कहाँ जाएंगे? हज़रतबल जाएंगे और वहाँ पे ना बड़ा दिन भी है। हाँ, तो देखते हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ये सब नहीं हुआ तो वहीं पे जाएंगे। तो वहाँ पे जाने तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबाओ, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाओ ताकि मेरी हर एक वीडियो पहले आता है जरूर पहुँचे। तो ज़ुबैर भाई चलाइए आप, नहीं चलाओ बस बस मैंने हर एक व्लॉग में मैंने बनाया। तो हाउस लगा के ठंड लगी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ से, ये ना क्या बोलते हैं, हवा कतल का एरिया पड़ता है। तो अभी हम शॉर्टकट से ही जाएंगे वरना हमको जाना था डाउनटाउन साइड से। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम हवा कतल, ये देखिए। चलो सरदार भाई, सामने से ओल्ड हवा कतल का ब्रिज, वहां से हमको लेफ्ट साइड से जाना है। देखिए गाइस यहां से जाना है हमको, ये रहा यहाँ से ओल्ड हवा कतल का ब्रिज और यहाँ से जाएंगे हम। यहाँ से ना सब कुछ पुराना ही है ना, और छोटी छोटी गलियाँ है, आज छोटी गली में आगे से लेफ्ट यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर। यहाँ से मैं बचपन में घूमता रहता था। क्या बोल रहे हो भाई? यहाँ के एक गली मेरे को पता है। ये देखिए दोस्तों हवा कतल के अंदर का कुछ सीन, पुराना सबसे पुराना मकान है। यहाँ पे नीचे साइड की खिड़की है। हाँ नीचे साइड की, ऐसे नहीं एक फ्लोर नीचे भी है, फिर यहाँ पे होती है ना ये वाला जो हाउस है ना, इसको देखो आर कैसे बना के, ये पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। आज के दौर में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है। और यहाँ से देखिए नीचे से जॉइंट फैमिली जिसमें रहा करती थी, ये वाला साइड पता है। तो दोस्तों ये है पत्थर मस्जिद, देखो कितनी बड़ी मस्जिद है। और सब ना ये वाली इसमें ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सब पत्थर के बने हुए हैं, ये ना सब पत्थर से बनाया गया है। और ये देखिए कलाकारी भी, ये शायद अकबर बादशाह ने बनाया था। तो अभी वहाँ पर मस्जिद है, तो फिर कभी वहाँ का सीन भी दिखाऊंगा। के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस टाइम, तो ये देखो ये रोशनदान है, ये जो खिड़कियाँ ना ये रोशनदान है, यहाँ से धूप अंदर जाती है तो अंदर ऑटोमेटिकली लाइट आती है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये है खान का जो कि पड़ता है जाना कदल में, और इसी के अपोजिट अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पुरानी शॉप है। अभी ना बाहर से रेनोवेट हो गई है लेकिन अंदर से ये इत्र की दुकान है। यहाँ पर गुलाब और रखे, ये देखिए अरक गुलाब, यानी कि गुलाब का जो पसीना निकालते हैं ना वो ये बेचते हैं यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं वो, गुलाब अरक तो पता है, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही पुरानी शॉप है। तो दोस्तों ये ना कश्मीर की सबसे पुरानी शॉप है, यहाँ पर गुलाब का जो अरक है वही बेचते हैं। तो ये रही वो शॉप, ये थी वो शॉप जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो अभी हम पहुँच गए हैं बाबडम, ठीक है, कश्मीर का सेकेंड हैंड मार्केट। ये देखिए यहाँ से खिड़कियाँ दरवाजे कुछ भी आपको चाहिए यहाँ से आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा, यहाँ से आपको जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए, ये देखिए दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, जूते हैं, सब कुछ मिलेगा सेकंड हैंड गाड़ियाँ यहाँ पर, और गाड़ियों का सामान भी यहाँ पर है, वो भी बेचते हैं, इंजन यहाँ पर बेचते हैं, और यहाँ पर कभी कभार ऑक्शन भी लगता है। यहाँ पर ऑक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर हर रोज ऑक्शन लगता है सेकंड हैंड चीज़ों का। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं नगीन, ये देखो ये भी डल लेक साइड से, मतलब ये ना डल यहाँ से लगता है लेकिन ये नगीन है, और वहाँ पर भी देखो शिकार है। इस वाले साइड से मैं कभी नहीं गया हूँ, कभी जाएंगे इस वाले साइड से भी, और हाउस बोट तो उस वाले साइड से यार पूछो ही मत। ये वाला साइड नगीन है और ये वाला साइड है क्या बोलते हैं इसको, डल लेक, और वो है जबरवन के पहाड़, वो जो देख रहे हो ना वो वाला सीन, वो है क्या बोलते हैं इसको, लैला मजनू। यहाँ से अब कम ही दूर रहता है दरगाह। तो ये है कुछ डल लेक का सीन, और वो रहा हारवन का पहाड़।
जुबी आज ना रश ही नहीं है, आज यहाँ पे भीड़ नहीं है ना, लेकिन जब वो क्या बोलते हैं नमाज के बाद यहाँ पे ज़ियारत होने वाली है, अच्छा बहुत ज्यादा भीड़ होगी अभी ना, टोटल रश नहीं है इस वाले साइड से। और ये देखिए यहाँ पर ये है फेमस मसाला, और ये रहा स्ट्रीट फूड यहाँ का, इसमें से हम कुछ लेंगे। जुबैर भाई क्या खा रहे हो? कमल ककड़ी। कमल ककड़ी ऐसा कुछ नाम है इसका। हाँ, स्ट्रीट फूड ऑफ कश्मीर, कश्मीर में बोलते हैं नादरमुंज। ठीक है ना, वो पकौड़ा होता है, पकौड़ा नहीं होता वैसे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हजरत बल। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ना फैमिली आए हैं और थोड़ा सा लंच कर रहे हैं, तो अभी हम दूसरे वाले साइड से जाएंगे। यहाँ पर टेंट वेंट भी लगाए हैं ताकि धूप से बचा जा सके। तो इस यहाँ से एंट्री है अंदर जाने की दरगाह, ठीक है। तो अभी हम वहाँ अंदर नहीं जा रहे हैं, ऐसा है कुछ सीन दरगाह के अंदर जाने का, वहाँ पर नमाज वमाज भी पढ़ाई जाती है। और ये है आगे का कुछ ग्राउंड, यहाँ पर ना फैमिलीज वैमिलीज बैठते हैं ये देखिए, और आराम से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर नमाज भी पढ़ाई जाती है इस वाले ग्राउंड में। लेकिन यहाँ से ना पार्क बहुत ही खूबसूरत बनाई है, यहाँ पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं और लाइटिंग्स भी यहाँ पर है, स्ट्रीट लैंप्स। यहाँ पर ना ज़ियारत भी दिखाते हैं लेकिन आज नहीं है, कल है ज़ियारत, आज रात, आज शब है। और ये देखिए यहाँ पर मेडिकल कैंप, किसी को अगर इमरजेंसी की ज़रूरत हो या इमरजेंसी किसी को पड़ जाए तो यहाँ पर मेडिकल की सुविधा भी दी गई है। और ये देखिए, तो ये इस वाली जगह पर ज़ियारत दिखाते हैं और उस वाली जगह पर भी। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है ना पूछो ही मत, वहाँ तक लोग होते हैं। आज से बड़ा दिन है ना, इसीलिए यहाँ पर मेडिकल कैंप भी है और डॉक्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है ये देखिए, ताकि ये कोई खुदा न खास्ता हादसा अगर हो जाए तो यहाँ पर ये 24 आवर्स यहाँ पर सर्विस देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, ठीक है, मार्केट करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर। ये देखिए दोस्तों ये है मार्केट यहाँ का, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए फायर इमरजेंसी भी यहाँ पर सर्विस अवेलेबल है, हादसे के लिए बिल्कुल तैयार। ये ना यहाँ पर हैंडमेड टोकरिया है यहाँ पर सब, क्या बोलते हैं, कानू से ही बनता है। अरे नहीं, डंडी डंडी। इस वाले साइड से रेस्टोरेंट्स है क्योंकि यहाँ से ना दूर दूर से आते हैं लोग, तो फिर आवाजवान यहाँ पर अवेलेबल रहता है, तो यहीं पर फिर खाना खाते हैं। ये देखिए कबाब, वाजवान ही ज्यादा मिलता है। तो भाई भाई बोल रहा है कि पिछले साल मैं यहाँ पर पेंट लाया था, वो भी एक्सचेंज करना है। क्यों एक्सचेंज करना है? अब छोटा हो गया। जुबैर भाई ये क्या है, इसका नाम नहीं पता, ये किसका बनता है? अरे पता नहीं, मैंने खाया है बचपन में, पता नहीं। ये सूजी का लगता है मेरे को, आई थिंक खस्त, खस्त खस्त इसको बोलते हैं। ये खसखस का बनता है, खसखस का बनता है। ये आटे का बनता है, इसमें ना बहुत, इसको कश्मीरी में कहते हैं गोज। ये देखो ये ना पानी में ही बनता है, तो इसको ऊपर से कवर होता है, वो नोकीला होता है बहुत, ब्लैक कलर का। ये भी महंगा बनता है। तो हमने डिसाइड किया आज हम ये ट्राई करेंगे, देखेंगे इसका टेस्ट कैसा रहता है। दो सिर्फ है, एक आपको येलो खाना है? अरे ये सेम ही है, सेम ही है। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसको मैंने कहा गोज, ये देखो ये शुगर के लिए दवाई, जो शुगर का मरीज रहता है उसके लिए ये फायदेमंद रहता है, दवाई के तौर पर, दवाई के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको सिंगारी कहते हैं आई थिंक। हाँ, तो दोस्तों 20 रुपीज किलो आए इसमें ना, लेकिन मज़ा है, लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा है। आपने क्रंच वाला पकड़ा ना, मेरे में मज़ा है। आपको नरम आ गया? मेरे को क्रंच ना, क्रंची ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अभी हम वापस आ चुके हैं इस वाली जगह पर। तो दोस्तों ये देखिए सामने है चार चिनार, ये ना आइलैंड है छोटा सा, अभी हम वहाँ वही जाएंगे, ठीक है।
तो आज मैंने ज़ुबैर भाई को बोला नहीं आज हम वहीं जाएंगे चाहे लेट हो जाएगा या जी कुछ भी हो वहाँ पर ज़रूरी जाना है। और ये देखिए यहाँ पर ना डल लेक में पुलिस है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर आज बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सीन है। कल पता है कल हम वहाँ पर गए थे, ज़ुबैर भाई को अभी पता नहीं है, वो जो आप टॉप में देख रहे हैं ना वो वाला हल्का वाला स्पॉट बस वहीं पर थे हम कल जी। तो दोस्तों लगता है कि आज का व्लॉग बहुत ही बड़ा बनेगा आई थिंक। हाँ तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं चार चिनार, ठीक है, इसलिए ये व्लॉग ना यहीं पे एंड करेंगे, अगर वो भी डालेंगे ना तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। हाँ सही बात है, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, प्लीज सब्सक्राइब करना ठीक है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन फुल सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।